तो भाई सारे भाइयों ने भाई राम राम है। तो भाई अभी ना कॉलेज क्या कहते हैं अभी ना कॉलेज से आ रहा था मैं, सोचा मैं कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है मैंने रिव्यू देखा नहीं, जो स्टूडेंट्स का है उन्होंने रिव्यू दे रखा कॉलेज के बारे में। मैंने कॉलेज का कैंपस का टूर तो दे दिया था बट रिव्यू नहीं दिया था कि कॉलेज मतलब किस तरीके का है। तो अपने साथ भाई है भाई, बाद में मैं बताऊँगा कैसा क्या है सीन है, पहले अपनी मैं कॉलेज में आ मैं भाई से पूछ लें। तो क्या हाल है भाई लविश भाई? अरे भाई भाई राम राम जी, कैसे हो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज मतलब यार बढ़िया बच्चे आते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, काम कुम वाले तो मेरे भाई दूसरी साइड ही रहे। अगर जिसने भाई पढ़ाई करनी है उसके लिए अच्छा कॉलेज है, ये बहुत अच्छा स्कोप बहुत है इसमें, सारे मतलब गोल है भाई, पंजाबी बहुत कम है इंडियन से, अच्छा कॉलेज है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे है पूरे कोऑपरेटिव। अगर लाओ आपकी असाइनमेंट आपकी नहीं हुई तो यार थोड़े टाइम बाद पावे सबमिट कर दो, कोई बात मतलब यहाँ पे उसको कॉलेज में ऐसा होता है कि असाइनमेंट दे दी ना तुमने और जैसे एक मिनट लेट था मेरा दोस्त, ठीक है उसकी ना उसकी नंबर जीरो लगा दी है, तो हमारे यहाँ अपने मेल कर दो कि भाई मैं यूँ हूँ भाई मैं दे नहीं सकता अभी या बीमार हूँ यूँ, तो ना वो मतलब कोऑपरेट कर लेते हैं उस टाइम, ठीक है। तो अभी भाई क्या कहते हैं हमारे भाई, जैसे बताया था कॉलेज के तीन कैंपस हैं हमारे भाई, कासलोमा वाटरफ्रंट और सेंट जेम्स, और वाटरफ्रंट भाई यहाँ के ना तीन कैंपस हैं, हम पढ़ते हैं वाटरफ्रंट में, दिख रहा है भाई पीछे, ठीक है भाई मतलब यहाँ पे ना ये वाटरफ्रंट की बेस्ट लोकेशन है तीनों कैंपस में से, ये हमारे खुद का जो कोऑर्डिनेटर है ना वो तीनों कैंपस का वो बता रहा था। यहाँ पे मतलब मेरे को ना मेरे को पढ़ते हुए लगभग 7-8 महीने हो गए इस कॉलेज में, मैं साथ के साथ भाई काम भी कर रहा हूँ, बंदे कहते हैं ना काम नहीं कर पाते सेंट अगर जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में, मैं काम भी कर रहा हूँ बढ़िया, अपना काम चल रहा है ड्रॉप है यूँ, अगर यूँ मैं कहूँगा कि सेप्टेम्बर इनटेक में आ रहा हूँ तो एक बहुत अच्छा इनटेक है तुम्हारे लिए, सेप्टेम्बर और मई जनवरी में भी आ रहे वो भी ठीक है, तीनों इनटेक बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा ड्रॉप है ना, जैसे मेरा ड्रॉप बेस्ट टाइम में है, ड्रॉप मतलब 4 महीने का गैप होता है स्टडीज़ में, तो उस 4 महीने में बंदा फीस फूस निकाल लेता अपनी, तो तब रहता है तुम्हारे लिए ईजी, ठीक है। और अब जैसे एक तो पहली बात तो डाउन टाउन में मैंने देखे बंदे 2-2 साल से रह रहे हैं, आज तक टोरंटो नहीं आए, तो इस चीज़ में भाई मेरे को ये बढ़िया लगा कि टोरंटो मतलब ये यहाँ पे एक बार रोज़ हम टोरंटो आते हैं, रोज़ एक नई चीज़ देखते हैं, एक मतलब बंदा ना एक वैसे भी नॉर्मली नेचुरली भी ना खुशा रहता है, मतलब कि जॉब पे जा रहा तो उसको एक नई चीज़ दिखती है रोज़, वरना वही लूप पे चलती है ज़िंदगी कि काम पे सो गए काम पे सो गए, क्योंकि ऑनलाइन कॉलेज होते हैं। और क्या बताना चाहेगा भाई कॉलेज के बारे में? बस आओ इस कॉलेज में पढ़ के भाई, अच्छा कॉलेज है, फ्यूचर बन जाए आपका अगर इस कॉलेज में आओगे, बाकी में तो बस ऐसे ये भी पैसा पूसा लूट रहे हैं, इधर पूरी अच्छी केयर रखते हैं आप। हाँ कि भाई तुम $18,000 दे रहे हो एक साल के, ठीक है, तो मतलब इतने 11-12 लाख दे रहे हो, तो कम से कम यार तुम्हें कुछ तो आए ना, यहाँ पे पढ़ाई उठी नहीं है जिंदगी भर, जनरल लेबर करने कहीं भी कर लो, अगर यहाँ आप अच्छा कॉलेज में कुछ बनता जाएगा आगे जाके स्कोप। हाँ अगर कुछ क्या होता हमारा भी नहीं बने भाई, बाकी भी नहीं पता लगता, पर जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से अच्छा हो रहा है, बन ही जाएगा कुछ बन जाए कॉलेज भाई। कॉलेज का ना मतलब लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है और कंपैरेटिवली दूसरे कॉलेज में बच्चे देखे भाई उनमें तो कुछ पढ़ाई नहीं है, मैं बनेंगे कि उनको ये नहीं पता दूसरा साल उसका ओवर होने वाला था, उसको ये नहीं पता कोर्स है कैसे, पहले भाई नंबर वन पे आता है एम्प्लॉयमेंट में या सबसे ज्यादा जॉब इनको मिलती है कॉलेज से जो करते हैं ना कोर्स, एम्प्लॉयमेंट में नंबर वन आते हैं कॉलेज में, एम्प्लॉयमेंट में भी और वैसे भी मतलब एरिया में पूरे मतलब सारे टोरंटो पे कोई तीन कैंपस है, मतलब जो यहाँ से पास आउट होता है ना इनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है जॉब मिलने का, डाउनटाउन में किसी कॉलेज के अंदर तीन कैंपस है, डाउनटाउन के अंदर एक तो बहुत सारी बेनिफिट भाई कॉलेज के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मतलब तुम्हें भाई फ्री में फूड मिलता है बहुत ज़्यादा, स्किन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इधर भाई, स्पोर्ट्स के लिए जिम भी है सब कुछ है, मतलब वो तो भाई हर कॉलेज में होता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हर कॉलेज में होता है। और लेकिन यहाँ पे जो भाई गेम्स होती हैं कभी कभार वर्चुअल गेम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ ना फन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कि रोज़ तुम जाओगे तुम्हें ऐसा लगेगा कॉलेज में मेला सा लग रखा है, तुम्हें कॉलेज ना बोरिंग नहीं लगेगा, कभी कभार लगता है यार बट रोज़ नहीं लगेगा, ठीक है, नई नई चीज़ होती रहती हैं। मेरे हिसाब से भाई मेरे को ना एक तो यूँ लगा कि अगर तुम ब्रैम्पटन में रहते हो ना, लोकेशन की थोड़ी चक्कर है डाउनटाउन, वैसे लोकेशन बहुत बड़ी है लेकिन अगर तुम ब्रैम्पटन से आते हो ना तो थोड़ा सा 1.5 घंटा लगता है, लेकिन इतना मैं लगा के आ रहा हूँ 7-8 महीने हो गए, तो 1.5 घंटा कुछ ज़्यादा नहीं होता आने जाने का, बट यूँ है कि 1.5 घंटे में ना बंदे का ना वर्थ इट रहता है वो चीज़। और जैसे अब मैं यहाँ से डायरेक्ट जॉब पर जा रहा हूँ, कितना टाइम हो रहा है भाई ट्रेन कितना 10 मिनट, हाँ तो भाई यहाँ से मैं जैसे डायरेक्ट जॉब पर जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं फिर नाइट शिफ्ट पर जाऊँगा, उसके बाद वापस कॉलेज जाऊँगा,
ठीक है। तो लेकिन यूँ है कि हम, मैं ना 3 शहर घूम जाता हूँ, ब्रैम्पटन, बॉन में मेरा काम है, अभी मिसाका जा रहा हूँ, ब्रैम्पटन में रहता हूँ, और क्या कहते हैं टोरंटो में रोज आता हूँ, मतलब 4 दिन कॉलेज है। तो और ऊपर से भाई हमारे यहाँ पे ना ज़्यादातर कोर्सेज में प्लेसमेंट भी होती है, कोर्स वो देखना जिनमें प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट से ही होता है कि तुम्हारा भाई कॉप कॉप का ज़्यादा फायदा, 4 महीने कॉलेज ही नहीं आना लास्ट के, 4 महीने काम करने लास्ट के, आप जॉब लगो यहाँ पे प्लेसमेंट में तो ऐसा है, पेड नहीं होती है, काम पे भी आना है, कॉलेज पे भी जाना, कॉलेज भी जाना, कोऑप में ना काम पे जाओ बस, तो आना ही कॉलेज नहीं आना, कॉलेज नहीं आना, जिसमें कोऑप ना भाई बोले क्या ना, ऊपर से एक्सपीरियंस भी तो हो जाता है, फील्ड बाई फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी, जो मेरे को बहुत मतलब यूँ है कि भाई काम ही आता है आगे, तुम्हारे रिज्यूम में जुड़ जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर तुम्हें फील्ड प्लेस फील्ड अपनी फील्ड में जॉब लेनी है तो भाई ये सारा रिव्यू बता दिया। और तुम्हें कॉलेज भाई बिल्कुल भी, बंदे कहते हैं ना हार्ड है या यूँ है, तो भाई कॉलेज बिल्कुल भी यूँ नहीं है कि हार्ड है, ठीक है, कॉलेज नॉर्मल सा है, ठीक है, ना तो ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा औखा है, और टीचर्स बहुत अच्छे भाई, कसम से भाई टीचर्स ना इतना कोऑपरेट कर रहे हैं टीचर्स ने मेरे साथ, मैं असाइनमेंट बंदा ना भूल जाता है यहाँ पे ना काम के चक्कर में, क्योंकि फीस से निकाल लेते हैं, तो भाई बंदा फिर ना भूल जाता है, तो यहाँ पे टीचर्स को मेल कर दो तुम कि भाई मारो कुछ भी, तो वो मान जाते हैं, सोचते नहीं कि भाई झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, मानने लगा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। मोस्ट ऑफ द आई थिंक मेरे तो सारे टीचर्स बढ़िया हैं जो मेरे हैं ना, आई लव देम। अभी भाई ट्रेन पकड़ के यहाँ से फिर मैं काम पे जा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से और क्या रह गया, आई थिंक दैट्स ऑल प्रूफ, ठीक है। तो भाई ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया, क्या कैसा है भाई कॉलेज, बहुत बढ़िया है, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज की फीस भी जेन्युइन है, ना कोई फीस बंदे फीस कर रहे थे, फीस लगभग इतनी है भाई सारे कॉलेज की, $18,000 $19,000 पर ईयर, ठीक है, $17,000, ठीक है, तो हर साल बढ़ती रहती है वो, तो तुम चेक कर लेना, मैं वेबसाइट दे दूँगा जॉर्ज ब्राउन की, जहाँ पे सारी फीसिस है, कौन सा कोर्स ले सकते हो तुम, सारी कोर्सेज की लिस्ट है, ठीक है, और कोई भी तुम्हें भाई डाउट होगा ना तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड भाई बढ़िया लग गया, अगर जितने भाई भाई देखा है जितने बढ़िया लग गई हो वीडियो तो भाई, और जिस कई भाई भाई बहुत पुराने जुड़ रहे हैं, तो थैंक यू भाई सारे भाइयों ने, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई, थैंक यू।